तो आज हम प्रैक्टिकली समझते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट रिलीज होती हो, बाहर निकलती हो, उसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। उसके लिए मेरे पास कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूना है। जैसे मैं इसे पानी में डालूंगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और बहुत सारी हीट बाहर निकलेगी। हो सकता है ग्लास टूट जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट निकलेगी, तो थोड़ा हम दूर हट जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं दोस्तों, बबल्स निकल रहे हैं। ये काफ़ी ज़्यादा हीट हो जाएगा इसीलिए मैं थोड़ा दूर हट गया। हो सकता है ग्लास फूट भी जाए। कुछ देर बाद ये सचमुच बहुत ही ज़्यादा हीट हो चुका है।